बोलवानंद कंदु भगवान। करके रपा पारे उतारियो मेरी टूटी सी किस्ती है। सबके भीतर और बाहर हो कारीगर बड़े भारी हो क्या रतिया जब चैतनी है। कर कृपा पारे उतार दियो मेरी टूटी सी किस्ती। भाइयों, इस पावन स्थली पर 7 दिन तक भगवान की पावन गाथा का गुणगान होता रहा और आज 6वां दिन है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और भाइयों, एक बात और भी बता दूं, ये हमारी कर्म भूमि है। आज हमारा प्रिय शिष्य संसार में नहीं है, लेकिन उसकी कीर्ति सदा ही मौजूद रहेगी। भाइयों, सुरजन चैतन्य का इस पावन स्थान पर याद तो आती है उनकी, लेकिन इतना ध्यान रखना, ऐसे लोग परमात्मा कम ही भेजता है। हमारी एक कर्म भूमि इसलिए है कि मैंने 10 साल इस क्षेत्र में बिताए। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में जाकर के हमने अलख न जगाई हो। भाइयों, गाना बजाना तो सारी जिंदगी में आप लोगों ने बहुत सुना है, और ये भी तुम्हें बता दूं कि अर्थ देखो गाना, दो अक्षरों को देखिए, गाना
यानी गांव नहीं, तेरा अर्थ को समझिए है कि गाना, गाने की कोशिश मत कर, जिसको तू गाएगा उसमें तेरा हल्कापन है। सिर्फ गाना गाने की जरूरत नहीं है, विद्वानों के जरूरत है। किया किया कुछ भी नहीं, परहेज तो दबा खाने से क्या होगा। और गाड़ी जब छूट गई तो बिस्तर बांध के स्टेशन पे जाने से क्या होगा। और गाना बजाना सुनने लगे, अगर तो इस भागवत में आने से क्या होगा। लोगों दिन ही दिन हवा बदल रही है। जिस भागवत को लोग अमृत मानते चाहते थे, वो भागवत आज तमाशा हो गई। कितनी बुरी हालत है बताऊं आपको। बना गए जो सही सही, नहीं तो उनकी सानी का गुरु कहे तो सभी नहीं। वो प्रमाण चारो को दिखला दे, अभी पुरानी खोल पाई। पतंजलि कपिल कड़ांड ऐसे ऋषियों की ये भूमि थी। और आज मैं भूमि की क्या हालत है लोगों। विद्या का पढ़ना छोड़ा, मूर्खता छाई भारी। ओ करी प्रीति अधरम में पच के न्याय बदे हत्या जारी। करी प्रीति अधरम से पच के न्याय बदे हत्या जारी। थेटर स्वांग रहसन नाचे, नक्ष रूप धरे नारी। रथी तिरथी नजर मार के सभा मोई सारी। लड़कियों ने भी अपना लिया इसको कथा की फुलवारी। और जाके पैसा मिलता देखा भाई के गल पैया दारी। विद्या का पढ़ना छोड़ा, मूर्खता छाई भारी।
करी प्रीति अधर्म में फंसकर नीति बने अत्याचारी। आज देखिए थिएटर स्वांग में लड़कियां नाच रही हैं और इर्ती चिथी नजर मार के सभा को मोहने में लगी हैं और जिससे पैसा मिलता देखा उसके गलबहियां डाली। यह हालत हो गई उन विद्वानों का खूब जो जग में दंगा और सूर वीर श्री कृष्ण निराला योगी था अपने ढंगा। और भीष्म पिता ने द्वापर में काल की नहीं करी शंका, ताप ने कलयुग में करो मुसाल को पंखा। राणा प्रताप ने कलयुग में करो मुसलन को पंखा, सूरवीर सिर के निराला योगी था अपने घंटा। सारी विद्याधीन में और सबल बनाए दे काज रे हमारी गति उलटी भई कैसी आज रे हमारी गति। ए उलटी 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 कैसी उलटी भई कैसी आज रे हमारी। जो छड़ में फूंक गई लंका, डरे न बन में फिरे अकेले दोनों भैया रणबन का। दिलीप रघुवेन आज का खूब बजा जग में डंका। और भाइयों पितामह भीष्म काल की शंका नहीं की, ये वही देश है जिसमें राणा प्रताप ने मुसलमानों का विनाश किया और सिर्फ सूरवीर और नरवीर बरबान भगवान का नहीं आपने ढंका था, लेकिन आप नहीं रहे गुड़ राम के हर में हम भारत और बोलन का। नहीं रहे गुड़ राम के हर में हम रावण भारत लंका। और लंका पर विजय प्राप्त की और आज के राम कैसे है। नहीं रहे राम के हमने हम भारत और बोलन का। सुन के जो दिल में बहुत करे शंका, रामचंद्र ने मौत की भी शंका नहीं की, लेकिन आज के राम कैसे हैं। भूत प्रेतन को देखे तो खाए गिरे मन में शंका, इतने अय्या सदा दिन बजे रंगियों में डंका। मेरे भैया ऐसा ही नहीं, भामा सुरसा गुप्ता था जन धन का दान किया भारी, तो उसने भैया कह गई थी माया सारी। लेकिन आज दुखी परिवार वैश्य का कहने में मुश्किल से रोटी मिलती है और दिलेन का घबराता है। चारों बहन में
वेद सूत्र का कहना क्या, और शेर जहां से डर कर भागे बागी दर का रहना क्या। फूटी आंख लगी जब ठोकर दोष पैर को देना क्या, बिगड़ गए सब काज रे हमारी गति उलटी भई कैसी आज रे हमारी गति। मेरे भाइयों आज चारों वर्ण बिगड़ चुके हैं, और सच अगर पूछा जाए तो खेल ऐसा बिगड़ा अब बनने में नहीं आ रहा है। रामचंद्र जैसे मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम, उन्होंने अपनी मर्यादा के लिए मैया सीता को भी वन में छोड़ दिया।